नमस्कार, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज तिवारी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। सागर जिला के बांदरी थाना क्षेत्र से बड़ी खबर है, जहां सागौनी गांव के पूर्व सरपंच अशोक चौबे की अज्ञात आरोपी ने हत्या कर दी है। जी हां, यह बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सागर जिला से है, जहाँ बांदरी थाना क्षेत्र के सागौनी गाँव में हत्या की बड़ी वारदात हुई है। मृतक अशोक चौबे सागौनी क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति और पूर्व सरपंच थे, साथ ही सागौनी ग्राम पंचायत में लगातार 3 बार सरपंच रह चुके हैं। बताया गया है कि सागौनी क्षेत्र की जनता मृतक अशोक चौबे को मसीहा और मालिक की संज्ञा देती थी। इस क्षेत्र की जनता को यह बात हजम नहीं हो रही है कि आखिरकार निर्विवाद व्यक्ति की हत्या किसने कर दी। हत्या की खबर से क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। वहीं घटना स्थल पर एडिशनल एसपी विक्रम सिंह, एसडीओपी मनोज केरकेट्टा सहित बांदरी थाना प्रभारी धर्मेंद्र गुर्जर सहित बड़ी संख्या में पुलिस पहुंच गई। वहीं एफएसएल की टीम एवं पुलिस के खोजी कुत्ता भी मौके पर मुआयना करने पहुंचे हैं। हत्या की खबर से क्षेत्र भर के लोगों का हुजूम सागौनी गाँव पहुँचा है। वहीं एहतियातन के तौर पर भारी पुलिस बल सागौनी गाँव में लगाया गया है। एडिशनल एसपी विक्रम सिंह ने बताया कि अशोक चौबे की हत्या की गई है। पुलिस अभी हत्या का कारण और आरोपी की तलाश कर रही है। पराग जैन, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज, रजवांश। उनका नाम अशोक चौबे जी, उम्र इनकी 62 वर्ष के आसपास नहीं होगी। प्रथम दृष्टया पुलिस जो मौके पहुंची है तो हम लोगों को ये प्रथम दृष्टया मर्डर लगा है, उसका प्राथमिक हो रहा है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। सर, कोई सुराग हाथ लगाया नहीं? जी, अभी एफएसएल टीम ने मौके का दौरा किया है और डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट टीम भी मौके पर आई है। अभी हम जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही कुछ कह पाएंगे। हाँ, हुआ है यहाँ पे, रात में सुबह जानकारी लगी थी यहाँ को, मतलब मर्डर हुआ है यहाँ पे। पुलिस वगैरह सब यहाँ पे आई हुई है, सुराग नहीं लग पा रहा है कि किसने किया, कैसा किया है। तो क्या पंडित जी की पहले किसी से बुराई, लड़ाई, झगड़ा था क्या? नहीं, अभी तो कुछ समझ में नहीं है, क्योंकि वजनदार आदमी थे वो, सब ग्रामीण नामी ग्रामीण आदमी थे क्षेत्र में, सब उनकी अच्छी जान पहचान। अभी तक तो ये हत्या ही समझ में आ रही है, आत्महत्या कोई इशू ही नहीं है। उनकी कोई बुराइयाँ वगैरह गाँव में थी? गाँव में किसी क्षेत्र में किसी की बुराई नहीं थी, वो बहुत अच्छे आदमी थे और जान पहचान का भी क्षेत्र में थी। अब ये नहीं पता सकते हुआ कैसे हुआ।